हेलो एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसू वैली में और आप देख सकते हैं कि ये वैली कितनी खूबसूरत है, ख़ास तौर पर इस मौसम में, ऑटम का मौसम है। आप ये देखिए, जितने भी दरख्त हैं सब के सब येलो हुए हैं, ऑरेंज हुए हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज ओवर देयर जो कि सेब के दरख्त हैं। ताज़ा लाल रंग के सेब जाके हम तोड़ेंगे भी। इस वक्त ये वैली इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है, शायद कैमरा जो है आपको उसकी खूबसूरती उस तरह से नहीं दिखा पाएगा जो कि इस वक्त एक आप इस तरह से देखते हैं अपनी आँख के थ्रू। और यहाँ पर इस वक्त जो है ना, एक्चुअली मौसम बहुत ख़राब हुआ हुआ है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। मुझे इस वक्त बहुत ठंड लग रही है, हालांकि मैंने 4-5 लेयर्स पहनी है, लेकिन एक्चुअली स्नोफॉल हो रही है, बारिश भी हो रही है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। और पीछे सारा जो बिना जितनी भी कोन्स हैं, पासू कोन्स, वो सारी ढकी हुई हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि अभी बादल है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी खूबसूरत वैली है। व्हाट आई एम गोना शो यू इस सेब के दरख्त, यू कुड सी यहाँ पे इतने खूबसूरत लाल रंग के सेब लगे हुए हैं। एक्चुअली बहुत ऊपर है तो मैं वहाँ से तो नहीं तोड़ सकती, बट डू वी हैव एनी एप्पल इन हियर? ओह यस, ये देखें लाल सेब, इतना खूबसूरत सेब और फ्रेश, अभी अभी दरख्त से थोड़ा हमको नहीं इट एज वेल। बहुत मज़े के सेब हैं, फ्रेश। अच्छा, सेब तो डेफिनेटली हम एंजॉय करें, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ हम यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं लॉन्ग विद द वेदर, यहाँ पे एक बड़ा मज़े का फेस्टिवल होने वाला है, दैट इज़ नॉट फेस्टिवल। और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, उसके अलावा साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स भी लगे होंगे। तो चूँकि अभी सारा सेटअप पीछे रेडी हो रहा है, आपको मेरे पीछे सेटअप भी सारा नज़र आ रहा होगा, तो जो जो एक्टिविटीज़ होती रहेंगी मैं साथ साथ आपको सारी एक्टिविटीज़ बताती रहूँगी। और वो सारी एक्टिविटीज़ देखने के लिए यू गाइज कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।